नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है और चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर नहीं है। उनके एकमात्र विधायक मटियानी, जो कि बेगूसराय जिले में है, राजकुमार सिंह, उन्हों वो जदयू में मिल गए हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे चुनाव के दौरान जो लोजपा है उसका एक तरह से कहें तो विरोधी नंबर एक जदयू ही पार्टी थी। लगातार जो है उनके संपर्क के बातें जो है जदयू नेताओं से वो चल रहे थे, वो उसको दूसरे बहाने में टालते जाते थे, लेकिन अंततः वो मिल गए हैं। अब इसके साथ ही कुछ प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें मेरे ख्याल से ये होगा कि बोगो सिंह, जो कि जदयू के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं बेगूसराय के, हमारे साथ हैं रंजीत झा सर, इनसे हम बात करेंगे। बोगो सिंह के बारे में सर, बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं और हारने के बाद उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी के कारण हम हारे हैं, ना कि राजकुमार सिंह के। मटिहानी सीट का अब क्या होगा? मटियानी सीट की बात करें और बोगो सिंह की चर्चा करें आदेश जी, इससे पहले जरूरी है चर्चा करना राजकुमार सिंह की। राजकुमार सिंह भी उसी बड़े घराने से आते हैं बेगूसराय में, कामदेव सिंह का नाम कौन नहीं जानता होगा, तो उन्हीं के ये हैं, सुपुत्र हैं और इनको यहाँ पे आगे बढ़ाया गया। राजनीति में एंट्री हुई, अंतिम समय में लोजपा ने टिकट दिया। अब इनके चुनावी गणित को समझिए, जरा खेल को समझिए। एकमात्र सीट लोजपा जीती, नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए लोजपा ने जितना हो सका प्रयास किया, प्रयास करने के बाद लोजपा खुद डैमेज हुई। एक सीट मिला, वो भी ऐसा लगा किसको हरा करके मिला, तो नीतीश कुमार के उम्मीदवार को, बोगो सिंह को। और राजकुमार सिंह जब आए और लग भी रहा था कि धीरे धीरे लोजपा को एक भी मिला तो कम से कम हुंकार भरा जाएगा, लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपना प्लान भी तैयार किया, क्योंकि कमजोर तो हो चुके थे, ऐसे में उन्हें मजबूती की जरूरत थी। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत किया उन्होंने जमा खान को भी जेडीयू में शामिल करके। बीएसपी के इकलौते विधायक, बीएसपी खत्म। लोजपा के एक विधायक राजकुमार सिंह, अटकलें तो तेज थी ही, क्योंकि मुलाकात से पहले भी कई बार हो चुकी हैं और वो नीतीश कुमार से अपने अच्छे संबंधों की बात लगातार कह रहे थे, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फंस रहा होगा, या चिराग पासवान की जो डोर है राजकुमार सिंह पर उस वक्त तक मजबूत रही होगी। लेकिन जब राजकुमार सिंह को यह एहसास हुआ और लोजपा को भी जब यह एहसास हुआ होगा कि लोजपा के टिकट पर नहीं, राजकुमार सिंह जो है अपने पढ़े लिखे अच्छी छवि और उनके पिता जी का भी जो भी वहां पे रहा, भले वो दबंग रहे, स्मगलर रहे, जो भी रहे, लेकिन राजकुमार सिंह की छवि बहुत बढ़िया और उनके पिता का नाम था वहां पे, वो जीते, यानी इनका अपना जनाधार है, वोट बैंक है, तब इन्हें लगा होगा कि हमें सही फैसला लेने का समय मिला है तो सही फैसला ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप भी जानते हैं कि अगर इकलौता विधायक जब कहीं जाता है तो अस्तित्व ही खत्म उस पार्टी का, उसके बाद जो विधायक जाता है उसकी सदस्यता पर भी कोई आंच नहीं आती है, वो सीधे जेडीयू में शामिल हो गए, विधानसभा अध्यक्ष उनको शामिल कर लेंगे। अब यहां से देखिए, राजकुमार सिंह के जेडीयू में जाने के बाद बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट पर अंतर्द्वंद कलह पार्टी के अंदर भी शुरू हो सकती है। बोगो सिंह काफी लंबे अरसे से मटिहानी के विधायक रहे, वहाँ पे उनकी भी अपनी छवि है, वो भी जननेता कहे जाते हैं, भले भी वो भी दबंग नहीं कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी छवि लोगों के बीच बैठ ये था। हुआ क्या कि जब राजकुमार सिंह खड़े किए गए तो राजकुमार सिंह की एक अलग छवि थी, एक अलग इमेज था, एक नेत्रहाट टॉपर और इनके बेटे भी शायद डॉक्टर वॉक्टर हैं, ये सब लोग जो हैं यहाँ पे जब आए तो जो नया गाँव हांसपुर ये सब क्षेत्र है वहाँ के लोग कामदेव सिंह को बहुत मानते थे, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, उनके बेटे खड़े हुए, उन्हें लगा कि बोगो सिंह का विकल्प हमें मिला है। इन्होंने इतनी बड़ी भीड़ में जहां लोजपा को कोई पूछ नहीं रहा था, सिर्फ हवा था, उस हवा के बीच से राजकुमार सिंह को जीत करके सामने ला दिया। राजकुमार सिंह जीत गए। अब नीतीश कुमार की नजर थी, क्योंकि उनके सीट तो कम थे, उन्हें बढ़ाना था, उन्होंने वहां उनको शामिल कर लिया। अब देखिए, बोगो सिंह जब पटना जाते हैं तो खुले तौर पे आपने कहा कि मीडिया में उन्होंने क्या कहा, मीडिया में उन्होंने कहा कि लोजपा ने हमारा क्या किया, ये तो बीजेपी का किया कराया साजिश था, उन्होंने ही लोजपा को आगे किया होगा, इसमें बीजेपी जिम्मेदार है, उसके साथ हम गठबंधन क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें वो कह रहे थे कि बदला लेना पड़ेगा, सब कुछ कह रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़े हैं, जिन्हें भी जिम्मेदारी मिली, आरसीपी सिंह को या उमेश कुशवाहा को, इनके दिमाग में यही चल रहा था कि पार्टी को संगठन के स्तर पर मजबूत कैसे करें। राजकुमार सिंह को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, संख्या बल तो बढ़ रहा है विधायकों का, दो तो स्वयं बढ़ गया। इनकी कोशिश आने वाले दिनों में यह भी है कि जो AIMIM है
उनके विधायकों को भी तोड़े। सर लेकिन एक प्रश्न इसमें सबसे बड़ा उठ के आ रहा है, क्या बोगो सिंह अभी भी जदयू में बने रहेंगे कि या वो भी अब पलटी मारेंगे? देखिए बोगो सिंह पलटी मार के कहां जाएंगे, बोगो सिंह काफी समय तक निर्दलीय चुनाव लड़ते थे लेकिन तीरछाप को सपोर्ट करते थे। तो बोगो सिंह को नीतीश कुमार जो है अपने पास मिला है। अब यहां पर हुआ क्या, सियासत किसी की नहीं चलती है। आखिर शाहनवाज हुसैन को भी काफी सालों तक जो चुपचाप बैठा रहना पड़ा था, हो सकता है कि कुछ और मिल जाए उनको। अगर वह बीजेपी जेडीयू में शामिल हुए राजकुमार सिंह, तो बोगो सिंह से बातचीत हुई होगी कि अब आप बोगो सिंह जी मटिहानी में राजकुमार सिंह का तो वर्चस्व हो गया है, अगले 5 साल के बाद हम उनको बिठा दें या उनको हम MLC बना करके प्रबुद्ध लोगों के श्रेणी में रख करके उन्हें MLC बना लें और जेडीयू में बनाए रखें, ये कर सकते हैं। लेकिन आपको 5 साल तक तो भुगतना पड़ेगा और 5 साल तक बोगो सिंह उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं जहां उनको अचानक से MLC बना दिया जाए, क्योंकि उनकी छवि वैसी नहीं है, वैसे समाजवादी नहीं है वो कि पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं चाहे राज्यपाल कोटे से बनाते किसी से बनाते, ऐसा नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि विधान परिषद जो है MLC वाली बात वहाँ पे अच्छे लोगों को रखा जाता है, ये जनसेवक हैं या कोई उपाय राजनीति में खैर कुछ भी उपाय चल जाता है, भेज दे तो भेज दे। लेकिन मुझे लगता है बोगो सिंह के लिए अब यही है, उन्हें शायद कहा गया होगा आप इंतजार करें। और लोजपा जो पार्टी है उनके एकमात्र विधायक चले हैं, लोजपा का अब क्या होगा? बिहार में देखा जाए तो उनका असेंबली में एक भी उनका प्रतिनिधि नहीं है, कितना इफेक्ट पड़ा इससे लोजपा पर? लोजपा लगातार उनके कुछ दल के नेता भी टूट गए हैं जदयू में मिले और एकमात्र विधायक वो भी चले गए, लोजपा को अब कहाँ देख रहे हैं बिहार में? बिहार में हम वही देख रहे हैं आदेश जी कि रामविलास पासवान की कमी मार्गदर्शन लोजपा को खल रही है, क्योंकि जो अपरिपक्वता चिराग पासवान ने दिखाई वो बिल्कुल गलत थी। जिस हिसाब से वो मुख्यमंत्री पर हमलावर हुए थे और जो प्लानिंग उन्होंने तैयार की उस प्लानिंग में वो असफल हो गए काफी हद तक। उन्हें यह शायद भनक नहीं लगी या उन्हें पता नहीं चला कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, ये बात अगर वो समझ गए होते तो शायद इस तरह का जो उन्होंने आडंबर रचा कि नीतीश कुमार पर इस तरह से टूट पड़ो, चलिए आप उनको डैमेज करना चाहते थे ठीक है, लेकिन आप अपने हाथ पर तो आ गए, आप तो खत्म हो गए, आपने एक सीट जीता भी तो वो भी जो है आपके हाथ से निकल गया। अब लोजपा हो गई कमजोर, लोकसभा में भी कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है, दिल्ली में जो पिताजी के का जो मंत्री पद था वो भी इनके हाथ से निकल गया, अभी वो भी नहीं मिल रहा। बिहार में नीतीश कुमार के बारे में तो जाना ही जाता है ना, वो किसी को जो है भूलते नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि हाँ चिराग पासवान की वजह से लोजपा की वजह से हमें डैमेज हुआ है, हमें क्षति हुई, उन्होंने खुल के कहा हमें क्षति हुई है और फैसला बीजेपी को करना है कि लोजपा के साथ क्या करना है। बीजेपी ने क्या किया, दिल्ली में हाथ टाइट कर लिए, वहां पे अब इनको पूछा नहीं जा रहा। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी चाल जो है चलनी शुरू कर दी, धीरे धीरे टीमों को तोड़ा गया, मनाते मनाते अब राजकुमार सिंह किस ऑफर पे माने ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, क्योंकि अभी जो है नीतीश कुमार के लिए एक सीट भी महत्वपूर्ण है, जितना मिलेगा वो बीजेपी के पैरेलल में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो तो दूर है, लेकिन जो कोशिश हो रही है चाहे जो बैठे हुए नेता हैं उनको शामिल करके जाते संगठन मजबूत करने को लेकर के या फिर राजकुमार सिंह जैसे लोगों को शामिल करके, क्या इन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, क्या आने वाले जो 5 सीटें बची हुई है मंत्रिमंडल की उसमें इनको जगह मिल सकती है, या क्योंकि जब जब जमा खान को जगह मिल गई तो इन्हें भी मिलने का चांस है। और नीतीश कुमार ये जरूर जान रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी कभी वादा अच्छा निभा भी लेते हैं, जैसे कि अभी बोगो सिंह है, बोगो सिंह मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह जो है इनको शायद नीतीश कुमार ने समझाया होगा, RCP सिंह ने समझाया होगा, सबने कहा होगा कि आप शांत बैठिए 5 साल, अगले 5 साल में जो जब चुनाव होगा तो आपको टिकट वहीं से मिलेगा, राजकुमार सिंह के लिए दूसरा विकल्प है तो उनको हम MLC बना देंगे और MLC बना देंगे और बोगो सिंह के लिए जो है रास्ता फिर से खुल जाएगा, शायद इसी शर्त पे माने होंगे। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही जगह के दो ऐसे नेता जो एक के खिलाफ लड़े और वहां पर राजकुमार सिंह जीते और बोगो सिंह के रहते हुए उन्हें जेडीयू में शामिल कर लिया गया। सर एक चीज मैं देख रहा हूँ, आपने कुछ दिन पहले देखा रालोसपा का विलय हो गया जेडीयू में, फिर से जो लोजपा है उसके एक विधायक चले गए जेडीयू में, फिर से BSP के चले गए और फिर से बात करें आपको हम जाप के जो जन अधिकार पार्टी है उनके कुछ नेताओं का विलय हुआ है, फिर से आपको RJD में, अब आप किसको देख रहे हैं, कौन से लोग बच रहे हैं जिसका विलय होगा और ये क्या आप टेंडेंस देख रहे हैं? छोटे दल जो है जो कि चुनाव के समय में अपने आप को एक जाति का ठेकेदार समझ रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अफेक्ट पहुंचाएंगे, चुनाव खत्म होने के बाद ही उनकी असलियत सामने आ गई और उनका विलय होना शुरू हो गया है।
तो और आगे इस कड़ी में आप किन किन दलों को देखते हैं, किन किन नेताओं को देखते हैं जो कि पाला बदल सकते हैं? मुझे आदेश जी ये लगता है कि बिहार को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात बहुत होती है, भले ही असदुद्दीन ओवैसी जो जातीय जो धर्म की राजनीति होती है, खास करके मुस्लिम की राजनीति करना, मुसलमानों की राजनीति करना, वो ओवैसी खुलकर करते हैं। जैसे कि बीजेपी पे आरोप लगता है कि हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद किया जाता है, वैसे ही ओवैसी का भी एजेंडा क्लियर है। उन्हें अपने तबके को लेकर के चलना है, उसके लिए वो जो बातें करते हैं जब जनता के बीच जाते हैं तो असर दिखाई पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि बिहार विधानसभा में 5 सीटें वो जीत करके आए। लेकिन यहाँ बिहार में जो है, शायद बिहार के मुसलमान थोड़ा अधिक सोचते हैं, थोड़े गंभीर भी हैं, तो शायद उन्हें लगता है कि जो अख्तरुल इमाम जाकर के मिले थे प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी पार्टी के यहाँ पर नीतीश कुमार से, शायद बात नहीं बनी होगी। लेकिन यह मुलाकात या बातचीत अंदर अंदर जरूर चल रही होगी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें से आपको जो है कम से कम 3 विधायक तो टूट सकते हैं। अगर 3 भी टूट गए तो काम खत्म हो गया ना, तब तो फिर उनकी भी सदस्यता नहीं जाएगी। दो और छोटे सर, एक है वीआईपी और एक हम के पास विकल्प नहीं बचेगा जितना माझी वैसे भी घुटने टेके हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इन्हें भी समझाने में सफल हो जाए, सफल हो जाएंगे तो ये शामिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे दल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ही अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाते हैं, जिसमें उन्हें फायदा क्या मिलता है कि लड़के पहले बड़ी पार्टियों से हिस्सेदारी मांगते हैं, हिस्सेदारी मांगने के बाद जब गलती से गए जीत गए, जीतने के बाद मंत्रिमंडल में बड़ी भूमिका मांगते हैं। अभी जीतनराम मांझी की इच्छा है कि उन्हें एक और MLC चाहिए, एक और मंत्री पद चाहिए, VIP वाले भी नाराजगी दिखाते रहते हैं, आंखें टेढ़ी करते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार हो चाहे बीजेपी हो, यह तोड़ निकाले कि अगर छोटी पार्टियों का ही खात्मा कर दें, उनका ही विलय कर लें, तो फिर जो है ये समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी। जो एक्सटॉर्शन वाली बात होती है ना कि छोटी पार्टियां जो है वो निचोड़ती हैं, खींचती हैं बड़ी पार्टियों को, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे, 2-4 सीटों को लेकर के तो कई चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों पर लगाम लगेगी। अभी लोजपा खत्म, BSP खत्म, उसके बाद आपको लोजपा खत्म, ये धीरे धीरे देखिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो बड़ी पार्टियां बड़ी मछली वही रहेगी, BJP, JDU, RJD। JDU के ही तो ललन सिंह कह रहे थे कि BJP के भूपेंद्र यादव चाले तो RJD का ही विलय करा देंगे BJP में। तो ऐसे में ये विलय की राजनीति, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सही भी है कि छोटे छोटे दल जो है वो सिर्फ वोट बैंक का बंटवारा कर देते हैं, मूल रूप से जो एजेंडा है, जो पॉलिटिक्स है, वो फिर नहीं हो पाती। फिर क्या हो जाता है कि परेशान करने वाली राजनीति शुरू हो जाती है, नेता परेशान होने लगते हैं, मुख्यमंत्री अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर आने लगता है। अभी ये भी बड़ी पार्टी है तो नीतीश कुमार कंट्रोल में है, नीतीश कुमार इस चीज को भाप गए तो दबाव खींच बाहर निकला, फिर धीरे धीरे संभाले तो कैसे हो, तो अब चलो कि बाहरी स्तर से चीजों को मजबूत करो, उपचुनाव होते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, उसमें एक का दुखा संख्या बढ़ता जाएगा तो हम मजबूत होते रहेंगे। तो राजनीति में क्या है कि आशा बहुत है, अगर निराशा मिलती है तो आशा भी साथ ही बहुत है कि आप उम्मीदें करते रहिए, आगे 5 साल तो आप खेप ही लेंगे, खेपने के बाद फिर उसके 5 साल के लिए आप क्या करेंगे वो प्रधान नीतीश कुमार सोच रहे होंगे। इस वजह से बेफिक्र होकर के जो है प्लानिंग करते हैं और जो टीम लगा है वही है। लोजपा का जो है, लोजपा का अब क्या होगा, क्या आगे की स्ट्रेटजी है, क्या आपको लगता है कि अब चिराग पासवान जो घुटने टेक देंगे नीतीश कुमार के सामने जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने टेके? देखिए, चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते हैं। राजकुमार सिंह के जाने के बाद, JDU में शामिल हो जाने के बाद वह बिहार में अस्तित्वविहीन हो गए, अब बिहार में उनका कुछ नहीं रहा। चिराग पासवान बिहार के हैं, यही बहुत बड़ी बात है, लोकसभा से उनके हैं, सांसद हैं, नो डाउट, लेकिन विधायकी के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर वह शून्य हो गए हैं। ऐसे में लोजपा के लिए और चिराग पासवान के लिए चिंता की बात है, क्या रामविलास पासवान ने जो धरोहर जमा करके उन्हें दिया उसे वो संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि राजकुमार सिंह तो गच्चा दे गए और राजकुमार सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या सोच के फैसला लिया है कि लोजपा के अस्तित्व को खत्म करना है और JDU का ही साथ निभाना है। इसके लिए क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री के साथ में, आने वाले दिनों में दिखेगा कि वो मंत्री बनते हैं या आने अगले 5 साल के बाद वो राजनीति में MLC के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा जो चर्चा है वो राजकुमार सिंह को लेकर, जो कि लोजपा के एकमात्र विधायक थे। अब देखने वाली बात है
कि क्या नीतीश कुमार जो है इसी तरह विधायकों को तोड़ तोड़ कर वो बीजेपी के बराबरी में आना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी बराबर में हैं, और आप जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी मनमानी कर रही है जदयू के साथ या उनको कंट्रोल कर रही है उस पर नकेल कस सकते हैं। और फिर चिराग पासवान जो कि विधानसभा से गायब हो गए बिहार के, उनके लिए भी सीख होगी कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा लेना कितना बड़ा टेढ़ा काम है, उसका कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगा। तो समय बताएगा कि चिराग पासवान जो है इससे सरेंडर करते हैं या फिर इससे इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं, और नीतीश कुमार की क्या स्ट्रेटजी रहती है, ये सब कुछ समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।